बिल्कुल, इस वक्त मैं हारून पुल पर दावर इस्लामाबाद मोटरवे पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ शेर ही हैं, इनके पास सामान है और ये एयरपोर्ट की तरफ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ ये जाना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से ये सामान सरों पर उठाकर अपनी तही कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरीके अपनी फ्लाइट मिस ना कर सके। जी आप बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं? स्वाद से आ रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? सऊदी अरब जा रहे हैं। तो किस तरह पहुंचे यहाँ तक ये सामान उठा के? हम देख रहे हैं कि आप सरों पे भी ये बक्स उठा के आ रहे हैं। बिल्कुल, ये सरों पर उठा के लेके आया। रास्ते पर रश भी था, सारा रोड ब्लॉक है, सारा रोड ब्लॉक रहता है, सारा रास्ता। तो क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है। उसको ये बंद नहीं करना चाहिए था? नहीं, रास्ता तो खोलना चाहिए, इधर मरीज आता है और भी मुश्किल आते हैं। आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो यार, हम लोग तो जितना है ना इस मुल्क में, मैं कोई भरवासा नहीं है। मैं जितना उम्र है ना, 42 साल 40 साल हमारा उम्र है, 22 साल मैं उधर सऊदी में गुजरता है, कोई फायदा में नहीं मिलता। ये हमारा मुल्क में, इस मुल्क में पैदा हो गया, अगर दिल ये मुल्क चाहता है कहीं, तो कितना कितना तकलीफ है। देखो, हम स्वात निंगवलई से आए, मिंगवरे शहर से सऊदी अरब में जा रहा है, इस मुल्क में हम आ रहा है, ये हमारा मुल्क है, मेरे जान है, सही है ना? अगर इतना तकलीफ में, किस टाइम में ये छोड़ गया? अभी आगे रास्ते गाड़ी भी नहीं है, पता नहीं गाड़ी मिलता है नहीं मिलता है, हम जा रहा है। अच्छा, आप किसको सपोर्ट किसको करते हैं आप? यार हम सपोर्ट तो अवामी नेशनल पार्टी के साथ करते हैं। और आप? हम भी, आप सोच भी पड़ जाते हैं? अभी तो किसी को नहीं सपोर्ट करता। अच्छा, किसी भी सपोर्ट करेगा? अभी तक कोई है? कोई भी नहीं है। जी नाज़रीन, बचपन से निकले तो ये सऊदी अरब पहुंच गए काम के सिलसिले में, और अभी ये काफ़ी अफसरदा हैं, परेशान हैं कि हम किस तरह अपनी फ्लाइट तक पहुंचेंगे और किस तरह सऊदी अरब पहुंच सकेंगे। इसी के साथ मुझे हारून पुल मोटरवे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।